चलो लास्ट वी डिड दिस ट्रीटमेंट आई सपोज लास्ट वी डिड दिस ट्रीटमेंट सो पीपल अंडरस्टूड बाय डिफॉल्ट बैंक को पेमेंट की एंट्री तो आपको करनी करनी है लेटर से पैसे मिल भी सकते हैं और नहीं मिल सकते इफ रिसीव्ड वील डू द एंट्री इफ नॉट रिसीव्ड हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे बट पेमेंट टू बैंक इज टू बी डन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस नेट इफेक्ट की एंट्री आप करना चाहें वो भी चलेगा नो प्रॉब्लम एट ऑल अंडरस्टूड एवरीबडी चलिए बच्चों तो लेट्स प्रोसीड फर्दर वी डिड दिस क्वेश्चन नंबर 5 इन द शीट चलो नेक्स्ट चिल्ड्रन वी वर टू स्टार्ट विद दिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग चलिए तो प्लीज ओपन टू दिस कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन प्लीज ओपन टू दिस कॉम्पोजिशन बड़ा आसान ट्रीटमेंट है बहुत आसान ट्रीटमेंट है आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडी टू ड्रॉ अ स्मॉल फॉर्मैट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट जस्ट अ 4-line फॉर्मैट चिल्ड्रन इन योर क्लास बुक कॉपीज और लेफ्ट राइट ऑफ द शीट भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं अ स्मॉल फॉर्मैट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों अ स्मॉल फॉर्मैट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इट्स पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट आई होप सो एवरीबडी नोज द फॉर्मेट इज इट चलिए वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड चलन कॉन्टेंट इज वेरी इजी आपको सिर्फ इसका इंटेलिजेंस फैक्टर समझना है इंटेलिजेंस फैक्टर द कॉन्सेप्ट सेज कि हमने क्रेडिटर्स को सेटल किया नॉट बाय पेइंग कैश रादर बाय गिविंग आर असेट्स आई रिपीट रादर बाय गिविंग आर असेट्स अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है ध्यान से सुनिएगा क्रेडिटर्स इन द बैलेंस शीट आर अपियरिंग एट व्हाट वैल्यू चिल्ड्रन 2 lakhs एंड लैंड एंड बिल्डिंग इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इज 3 lakhs एंड इन द सेकेंड वन इट इज 1,50,000. So if I ask everybody what is the entry for transferring creditors to realization, what would be your answer, children? It's creditors to realization. और अगर मैं आपसे पूछूं कि so called realization में land and building को transfer करना है, तो entry क्या होगी? Your answer would be realization account debit to land and building. So as soon as you happen to see any liability such as creditors and assets such as land and building सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चों ट्रांसफर करना है आई रिपीट चिल्ड्रन सबसे पहला काम क्या करेंगे आप ट्रांसफर तो अकॉर्डिंगली आई पुट इट ऑन द डेबिट साइड टू लैंड एंड बिल्डिंग एंड क्रेडिट साइड आई पुट इट बाय क्रेडिटर्स अकाउंट समझ में आ गई बात सबको What was the value of creditors in my example? 2 lakh. And land and building ki do values thi, isn't it? Kya kya value thi? 3 lakh or 1,50,000. Do this much work complete fast. Kaisa bhi aapko question mile children, first and foremost, all assets and liabilities have to be transferred. Entry bhi bata di, posting bhi bata di. Now sir, what's next? अब नेक्स्ट इज बेस्ट बेसिकली क्वेश्चन आपको दो बातें लिख के देगा बच्चों और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कौन सी दो बातें लिखी जाएंगी क्वेश्चन विल प्रोवाइड दैट क्रेडिटर्स वर सेटल्ड इन फुल फुल वर्ड यहां पे होना चाहिए बाय एक्सचेंज ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लैंड एंड बिल्डिंग सो व्हेन फुल सेटलमेंट इज मेंशनड आप क्या करेंगे ध्यान से सुनिए आपने सबसे पहला काम ट्रांसफर किया आई रिपीट चिल्ड्रन सबसे पहला काम ट्रांसफर किया ध्यान से सुनिएगा मेरी बात व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स दैट वी सी इन रियलाइजेशन अकाउंट एक्सीलेंट आंसर एंड वी सी इट वेयर चिल्ड्रन ऑन द क्रेडिट साइड नॉमिनल अकाउंट रूल सेज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड वेयर डू वी सी द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग चिल्ड्रन डेबिट साइड एक्सीलेंट आंसर एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट वी हैव put them on the debit side put them matlab put land and building so ultimately it reflects your expense or loss samajh mein aa gayi thi baat now the question says
creditors accepted land and building in full settlement. In full settlement. दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर. 3 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग आप 2 लाख के क्रेडिटर्स को दे रहे हैं. यस और नो? यू आर गिविंग लैंड एंड बिल्डिंग. सर कैसे? हनुमान जी को बुलाएंगे उठा के दें? अरे नहीं भाई, पापियों के जमाने में हनुमान जी नहीं आ सकते, वो बड़े स्वच्छ प्रजाति के लोग हैं. सो 3 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग का जो रजिस्ट्रेशन पेपर होते हैं प्रॉपर्टी के, आप किसी एडवोकेट से बोलेंगे कि इस पे लिख दो, एक अग्रीमेंट बना दो दैट वी आर हैंडिंग दीज पेपर्स टू होम क्रेडिटर्स, और वो पेपर्स आप क्रेडिटर्स को दे देंगे. कल से इस असेट पे राइट किसका होगा बच्चों? क्रेडिटर्स का. हमसे कोई लेना देना नहीं है, बट मन में एक दुख तो है ही. 3 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग कितने के क्रेडिटर्स को सेटल करने में गया? 2 लाख रुपीस के क्रेडिटर्स को सेटल करने में गया. सो दिस डिफरेंस रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ लॉस. सो मेनी प्लेसेस यू विल फाइंड कि अगर फुल सेटलमेंट लिखा है तो आफ्टर ट्रांसफरिंग एसेट एंड लाइबिलिटी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? मैं उसका रीजन आपको बताता हूं. हम लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिटर्स को दे रहे हैं. आर वी सेलिंग इट इन द मार्केट एंड गेटिंग मनी चिल्ड्रन? नो. आर वी पेइंग एनी कैश टू द क्रेडिटर्स? नो. व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मनी, प्रैक्टिकली नो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज डोमिनेटिंग अस, हेंस हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे. तो बस आप ट्रांसफर करके छोड़ देंगे, प्रोवाइडेड बच्चों टेक्स्ट क्या लिखा हो? फुल सेटलमेंट. खोपड़े में बात गई या नहीं? खोपड़े में बात गई या नहीं चिल्ड्रन? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म एवरीबॉडी? बट जो बात हमें सता रही है, इट इज सर ये डिफरेंस लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल तो बाद में आएगा, पहले तो मैटरलिटी प्रिंसिपल अटैक करेगा. भाई लॉस तो हो रहा है ना आपको, 3 लाख वर्थ ऑफ एसेट इज बीइंग गिवन फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी वर्थ 2 लाख. और भाई लैंड एंड बिल्डिंग है, मैं प्लांट एंड मशीनरी का भी एग्जांपल ले रहा हूं जान पूछ के, ये तो रियल एस्टेट है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी कंट्री की आप बात कर लें, क्वार्टरली मेजॉरिटी केसेस में यही है, भाई डिमांड बढ़ेगी तो इसका वैल्यू बढ़ेगा. हमने तो सेम ही माना हुआ है. खैर, सो लॉस तो है ही है. तो एज पर मटरलिटी चिल्ड्रन, कंजर्वेटिज्म तक जाने की जरूरत नहीं है, दिस शुड बी रिकॉर्डेड और नॉट? बट देन टू एवरी टीचर सेज भाई इसके लिए भी आपको कोई एंट्री करने की जरूरत क्यों? ऑलरेडी हो चुकी है एंट्री बच्चों, आपको हवा भी नहीं लगी, ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है. 3 लाख रुपी इज अपियरिंग ऑन विच साइड रिप्रेजेंटिंग वॉट? 2 लाख इज अपियरिंग ऑन विच साइड रिप्रेजेंटिंग वॉट? तो भाई 2 लाख का गेन, 3 लाख का लॉस, नेट इफेक्ट क्या आया? 1 लाख का लॉस ऑटो रिकॉर्डेड है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है. दैट्स वाई जब भी फुल सेटलमेंट लिख के आए, ट्रांसफर करके छोड़ दीजिए, सब अपने आप चल रहा है. अभी भी नहीं समझ आया? समझ में आ गया? प्लीज अपडेट क्विकली चिल्ड्रन. ये बात सबको समझ में आ गई? इफ द टेक्स्ट फुल सेटलमेंट इज रिटन आफ्टर ट्रांसफर, वी आर सपोज टू डू नथिंग, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है कुछ भी करने की जरूरत? बिकॉज थिंग्स हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड. खोपड़े में बात गई. बट सर मान लीजिए ये फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ सेटलमेंट लिखा है, या क्रेडिटर्स वर सेटल्ड बाय एक्सचेंज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, या लैंड एंड बिल्डिंग वॉज गिवन टू क्रेडिटर्स फुल स्टॉप. सेटलमेंट शब्द, फुल सेटलमेंट शब्द नहीं लिखा, फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा, समझ में आ गया? इन दैट केस आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के बाद 2 बातें आपको ध्यान देनी है. कौन सी 2 बातें? द वैल्यू ऑफ असेट इज मोर देन लाइबिलिटी चिल्ड्रन, आई रिपीट, और द वैल्यू ऑफ असेट इज लेस देन लाइबिलिटी. सो दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने है. द वैल्यू ऑफ असेट इज 3 लाख एंड दैट ऑफ क्रेडिटर इज हाउ मच चिल्ड्रन? तो असेट इज मोर देन लाइबिलिटी. तो हेयर द मनी वुड बी रिफंडेड बाय द क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स को आप कहेंगे 3 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग हम दे रहे हैं, बट हमने तो आपको 2 लाख ही देना है, तो प्लीज पे बैक 1 लाख एक्सेस. एंड इफ द वैल्यू ऑफ असेट इज लेस एंड दैट ऑफ लाइबिलिटी इज मोर, तो इन दैट केस चिल्ड्रन 1.5 लाख की आपकी असेट है और 2 लाख की आपकी लाइबिलिटी है, आपको डिफरेंस क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा. तो जब आपको रिफंड मिलेगा, एंट्री वुड बी बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और जब पे करेंगे तो एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश.
So if the text full settlement is not mentioned, children, in that case, these two entries are to be done. If assets are excess, refund. If liabilities are excess, we'll pay. दोनों केसेस सबको समझ में आ गए? तो सबसे पहला काम ट्रांसफर करेंगे, फुल सेटलमेंट लिखा है, जय माता दी, अब कुछ नहीं करना है. फुल सेटलमेंट इज नॉट रिटन, एसेट एक्सेस है तो रिफंड, लाइबिलिटी एक्सेस है तो पेमेंट. बी क्विक चिल्ड्रन. सो बच्चों, कंटेंट में भी आपको वर्कबुक में लिखा मिल जाएगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप ट्रांसफर एंट्री करेंगे जैसे करते थे. देयर आफ्टर इफ एसेट इज एक्सीडिंग मनी विल बी रिसीव्ड बैक, एंड इफ लाइबिलिटी इज एक्सीडिंग मनी विल बी पेड बैक. समझ में आ गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 7 विजिबल ऑन द स्क्रीन टू एवरीबॉडी. चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन चिल्ड्रन, इट सेज द बैलेंस ऑफ राम, सॉरी, बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मनोहर शोड प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख एंड क्रेडिटर हाउ मच चिल्ड्रन? 680. तो सबसे पहले तो भाई ट्रांसफर एंट्री कर लेते हैं. ओके, व्हाट द ट्रांसफर एंट्री फॉर प्लांट एंड मशीनरी? वेरी गुड. एंड व्हाट इज द एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग क्रेडिटर्स? एक्सेलेंट. पुट इट फास्ट. डू वी हैव द फॉर्मेट? नो, यहीं पे लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम. एंड आगे लिखा, इट वॉज अग्रीड दैट क्रेडिटर्स वर सेटल्ड इन फुल. विल वी बी पुटिंग एनी एंट्री फॉर दिस? नो सर. नो. सो हेयर वी कैन राइट नो एंट्री. और सर अगर ऐसे लिखा होता, इट वॉज अग्रीड दैट प्लांट एंड मशीनरी वॉज गिवन टू क्रेडिटर्स, तब आप डिफरेंस की एंट्री करते. एसेट एक्सीड कर रहा है तो मनी विल बी रिसीव्ड बैक. एसेट कम है, लाइबिलिटी ज्यादा, तो मनी विल बी गिवन बैक. अंडरस्टूड? चलो चलिए नेक्स्ट. बैलेंस शीट ऑफ अजय एंड विजय शोड फर्नीचर एंड क्रेडिटर्स. टेल मी चिल्ड्रन, व्हाट इज द एंट्री फॉर फर्नीचर ट्रांसफर्ड? रियलाइजेशन टू फर्नीचर. एंड क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड? क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन. वेरी गुड, वेरी गुड. क्रेडिटर्स एक्सेप्ट फर्नीचर इन सैटिस्फैक्शन ऑफ देयर ड्यूज. डू यू फाइंड द वर्ड सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट एनीवेयर? नो सर. चलिए, 80 का फर्नीचर है और 60 के क्रेडिटर्स हैं. व्हाट इज एक्सेस? 20. तो हम बेवकूफ है क्या जो 20,000 एक्स्ट्रा देंगे? क्या होगा बच्चों? रिफंड हो जाएगा. पैसे मिल गए आपको, मनी इज कमिंग इन, इट्स एन इनकम बेसिकली. एंट्री बच्चों? वेरी गुड. बस वो ब्रह्मास्त्र याद रखिए, बैंक टू रियलाइजेशन. क्या ब्रह्मास्त्र? रिसिप्ट है तो कैश और बैंक डेबिट, पेमेंट है तो कैश और बैंक क्रेडिट, दूसरी साइड पे रियलाइजेशन. पार्टनर रिसीवर है तो डेबिट और पार्टनर गिवर है तो क्रेडिट. रिसीवर कब बनेगा सर? वो जब एसेट टेक ओवर करेगा. गिवर कब बनेगा? जब वो लाइबिलिटी टेक ओवर करेगा. और दूसरी साइड पे क्या लिखना है? रियलाइजेशन. एज सिंपल एज दैट, एकदम आसान है. ओके, बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक. बहुत मजेदार है बच्चों. क्रेडिटर्स वर्थ 10,000, एक्सेप्टेड स्टॉक वर्थ 5,000. आगे की बात मैं आगे करूंगा, पहले क्रेडिटर और स्टॉक की हम बात करेंगे. कुछ लोग जगमगाते हुए आ गए हैं क्लास में. चलिए, ये कटिया वाला इंटरनेट है, सबका कट जाता है बीच में. क्रेडिटर्स वर्थ 10,000, एक्सेप्टेड स्टॉक वर्थ 5,000. व्हाट इज द एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग क्रेडिटर्स? चिल्ड्रन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एंड फॉर ट्रांसफरिंग स्टॉक? चिल्ड्रन, वेरी गुड. ये एंट्री तो आपकी आत्मा में चली गई है. ब्लड टेस्ट हो तो ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव नहीं निकलेगा, रियलाइजेशन निकलेगा. डन चिल्ड्रन. डू वी ट्रांसफर कैश ऑल्सो इन रियलाइजेशन अकाउंट? नो. दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस का बगैर, और सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं उसको देखिएगा. इन दिस मच शेडेड टेक्स्ट डू यू फाइंड द वर्ड फुल सेटलमेंट? नो. इसका मतलब डिफरेंस का लेन देन होगा. आगे कुछ मत पढ़िए बच्चों. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सो कॉल्ड क्रेडिटर्स? चिल्ड्रन, तो मतलब 5 हम और देंगे क्रेडिटर्स को. बट अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? कैश गिवन हाउ मच? इन फुल सेटलमेंट. तो कैश पे करने की एंट्री आप करेंगे. व्हाट इज द एंट्री चिल्ड्रन फॉर पेमेंट? रियलाइजेशन टू कैश. क्या बैंक लिखा करिए, इट्स अ स्टैंडर्ड बेसिकली. बैलेंस शीट का क्वेश्चन जब आए तो बैलेंस शीट में कैश और बैंक होगा तो अकॉर्डिंगली लिखेंगे. समझ गए बात को? पक्का कंफर्म? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. डन चिल्ड्रन. अ क्रेडिटर हूज क्लेम वॉज 10 अग्रीड टू एक्सेप्ट ट्रेडमार्क्स 12,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम. व्हाट इज द एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग क्रेडिटर्स? चिल्ड्रन,
creators to realization. And for trademarks? Realization to trademarks. Difference, bachcho, asset exceed kar raha hai, liability exceed kar raha hai. So refund or payment? How much? 2000 ka refund. Entry would be bank to realization. 2000 rupees. Samajh gaye? Samajh gaye? Next. Total creditors were 30. 5 walon ne bola humko paise hi nahi chahiye. Bahut badhiya. Kitne bache bachcho? 25. And they are offering 10% discount. 10% is 2500. What's the difference, children? 22. Paise denge ya lenge? What will be the entry? Realization to bank. Very good. Any queries, children? Please ask. Passbook entry decree, children, got slipped out. It's creditors to realization. Got it, children? Samajh mein aa gaya? Pakka? Chaliye. Come to TSG set, children. Question number 6 aapko milega. Sorry, 5. Question number 5. Is it visible, children? Question number 5 visible to all? Children, question number 5 visible to all? Yes, sir. Let's start. It simply states, creditors worth 85 accepted 40 as cash and investment 43 in full settlement. First and foremost, what will be the entry? Very good. Put it first. Creditors to realization. Do we pass any transfer entry for cash? No. How much amount of investments we had? 43,000. So we'll transfer this. What will be the entry? Put it first. Realization to investment. Itna samajh gaya? If the tax full settlement would not have been provided, we could have done the entry for the difference. And what is the difference between creditors and investment? Creditors or investment mein kitna difference aayega? 42. So, hum 42 ka payment ki entry karte hai. Because liability is zyada aur asset kam. Correct? So, 42 ki payment ki jab hum entry karte, to tab karte jab yahan pe aur kuch na likha hota. But here clearly it is mentioned, they accepted how much cash? They will accept when we'll pay. So, payment ki kya entry kar denge hum log? Very good. Realization to bank. Got it? Done all? Yes. B part. Creditors were 16,000. What's the entry for this children? It's creditors to realization. They accepted machinery 18,000 in settlement of their claim. Ab sir, full settlement to yahan pe nahi likha hua hai. To settlement word agar hai, but full settlement nahi hai. To yahan pe contradiction bhi hai. Kuch authors bolte hain ki bhai settlement word lik gaya na, to iska matlab so called aur paise ka len den nahi karna. Settlement ka matlab hi yahi hai. Got it clear? Kuch bolte hain ki nahi difference ki accounting karni chahiye humko. Got it clear? CBSE ka bhi contradiction is pe bahut bada hai. To in my opinion, agar full settlement ho or settlement ho, to practically it should be treated as same. It should be treated as same. Samajh mein aa gaya? To notes wali sheet mein jara aap wapas aa jaye aur yahan pe aapko kya likha hua milega? Kya likha milega? Isko circle kar lijiye aur ispe ek chota sa cross laga lijiye. Got it? To settlement word hai, to ye again same ho jayega full settlement ki tarah hi. ओके क्योंकि सेटलमेंट का मतलब ये भाई हिसाब किताब क्लियर हो गया और सेटलमेंट का क्या मतलब होगा तो करेक्शन डन चलिए सो चिल्ड्रन मशीनरी की ट्रांसफर एंट्री क्या होगी वेरी गुड रियलाइजेशन टू मशीनरी गॉट इट पक्का क्रेडिटर्स 90,000 दे एक्सेप्टेड लैंड एंड बिल्डिंग 120
What is the entry for transferring creditors? Creditors to realization. What is the entry for transferring building? Very good. और अगर कुछ भी आगे ना लिखा होता तो हम 30,000 पे करने की एंट्री करते, बट यहाँ डेलिबरेटली लिख के दे दिया इसलिए कोई इशू नहीं है. ना लिखा होता तो आप 30 की एंट्री करते, बिकॉज नीदर द वर्ड सेटलमेंट इज गिवन नॉर फुल सेटलमेंट इज गिवन. व्हाट इज द एंट्री फॉर दिस पेमेंट चिल्ड्रन? इट्स रियलाइजेशन टू कैश और बैंक. पीपल अंडरस्टूड दिस? क्यों? बैंक टू रियलाइजेशन. बैंक टू रियलाइजेशन होगा ना, पैसे मिले हैं. सॉरी 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 सर, एकदम वार करने लगे शिकार बना लिए मेरे. सॉरी. एंड पेड कैश टू द फर्म. सॉरी, इट्स बैंक टू रियलाइजेशन. वो इतनी देर से प्रवचन दे रहे हैं तो मेरे को लगा कि कैश भी दे ही दें, अब त्याग की भावना आ गई थी मन में. डन चलन एवरीबडी. चलिए, बी क्विक टू दिस. क्विक क्वेरी है तो प्लीज आगे चलो. मूविंग टू द नेक्स्ट कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन. नेक्स्ट कॉम्पोजिशन और बहुत ही धमाकेदार कॉम्पोजिशन है. इसमें फॉर्मूला बता के आंसर निकलवाना तो 2 मिनट का खेल है, बट फॉर्मूले का डेरिवेशन बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे. एवरीबडी मस्ट बी रिमेम्बरिंग हाउ टू कैलकुलेट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, इज इट? बट यहाँ पे बच्चों स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, एंड मैं आपको कुछ लिखने को ही बोलूंगा इस डिफरेंट स्टोरी में, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा. इज द बैलेंस शीट विजिबल टू एवरीबडी चिल्ड्रन? चिल्ड्रन, बैलेंस शीट विजिबल टू एवरीबडी? चलिए कुछ मार्क करते हैं. बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड स्टेट्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, देन वी हैव असेट्स फॉलोड बाय कैश, एंड फाइनली द क्वेश्चन सेज दैट असेट्स वर रियलाइज्ड एट व्हाट वैल्यू? 520. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड इन फुल. ना भी लिखा होता तो वी अज्यूम करते कि पे किया है. एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हाउ मच? 10,000. चलिए, so you will be getting 3 types of commission calculation children. The first type, commission is calculated on what? Assets realized. I repeat children, commission is calculated on what? Assets realized. Nazar aa raha hai sabko? And all these assets children have been realized at a value of 520. So formula is very simple, very simple, very simple. Question keh raha hai, 10% commission to X on what? Assets realized. And at what value did the asset got realized, children? 520. Khabardar, aapne cash joda to cash ko include nahi karna. So finally, the calculation will go like this. Value of assets realized into rate upon 100. And what is the value of assets realized, children? 5,20,000. Into 10 upon 100. What's the value, children? 52,000. Samajh mein aayi baat? Yes or no? Samajh mein aayi baat? Yes or no? Nahi samjhe? Samajh gaye? Clearly understood? Confirm? So, ekdam simple formula. Ekdam simple formula. It is value of assets realized into rate upon 100. I repeat, children. Value of assets realized into rate upon 100. तो आपको कैश बैलेंस कभी भी नहीं इंक्लूड करना. ओनली वील बी टेकिंग व्हाट? जिस अमाउंट में असेट को आपने सेल किया. समझ गए? अपडेट फास्ट. नेक्स्ट, बहुत सिंपल है ये भी. नाउ इट इज सेइंग दैट कमीशन इज अवेलेबल टू मिस्टर एक्स एट 10%, बट व्हाट इज द न्यू पैरामीटर? अर्लियर वी हैड व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन असेट्स रियलाइज्ड, बट नाउ वॉट डू वी हैव? नेट वैल्यू रियलाइज्ड. तो भाई टेक्निकली फॉर्मूला तो बड़ा आसान होगा, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेमिंग में आपको प्रॉब्लम ना आए ये बात आपको समझानी पड़ेगी. सो कमीशन इक्वल्स टू नेट अमाउंट रियलाइज्ड इन टू रेट अपॉन 100. क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू कैलक्यूलेट नेट अमाउंट रियलाइज्ड. बहुत सिंपल है, क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं बस पे ध्यान दीजिएगा. What was the cash balance in the firm, children? 30,000. At what price were the assets sold? 5 lakh. How much we'll pay off to the creditors and bills payable? 80 and 20, 1 lakh. And how much we'll pay for expenses? Whatsoever cash we had and coming in, plus kar denge,
एंड व्हाट्स ओवर कैश वी आर पेइंग आउट क्या कर देंगे माइनस. यू विल बी गेटिंग व्हाट इज टाइटल्ड एज चिल्ड्रन नेट अमाउंट रियलाइज्ड. सो लेट्स परफॉर्म दिस चाइल्डिश कैलकुलेशन. तो इट इज 30,000 चिल्ड्रन प्लस 5 लाख 20,000 करेक्ट प्लस सॉरी माइनस नॉट प्लस 1 लाख एंड एक्सपेंसेस हाउ मच चिल्ड्रन 10,000. सो आफ्टर डूइंग एवरी एक्टिविटी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी आर लेफ्ट विद हाउ मच 4,40,000. सबको समझ में आ गया चिल्ड्रन सबको समझ में आ गया नहीं आया समझ गए. चलिए सो नाउ वील अप्लाई दिस सिंपल बेसिक फॉर्मूला 4,40,000 नेट अमाउंट रियलाइज इंटू 10/100. व्हाट द वैल्यू चिल्ड्रन 44,000. डू इट क्विकली. तो चिल्ड्रन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड फॉर कमीशन टू द पार्टनर मिस्टर एक्स. Either it is on sale value of assets, or it is on net amount realized, or even if it is on what is called as amount payable to the partners. कोई भी केस हो बच्चों कोई भी केस हो. What will be the journal entry for commission payable to the partner? Partner को commission pay करने की क्या journal entry करेंगे? Pay मतलब to allow. Simple as that. जो सो रहे थे वो भी सुन लें. Realization account debit to excess capital account. Is that much understood well by all? Is that much understood well by all children? चलिए ऐसे आप बोलेंगे सर इतनी आसान एंट्री थी आपने क्यों लिखी है. तुम समझ ही जाते समझ तो जाते बेसिकली बट अगले कंटेंट में ये एंट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है. यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों अब कमीशन किस पे मिलेगी. 10% कमीशन इज टू बी गिवन टू मिस्टर एक्स. दो मिनट का काम है फॉर्मूला बताना कॉन्सेप्ट जिंदगी भर नहीं समझ पाएंगे. 10% कमीशन किसको मिलेगी एक्स को. किस चीज पे कमीशन मिलेगी बच्चों. ऑन द अमाउंट्स फाइनली पेबल टू द पार्टनर्स. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस व्हेन इट वाज ऑन असेट्स रियलाइज्ड हमने फॉर्मूला लगाया वैल्यू ऑफ असेट्स रियलाइज्ड इनटू रेट अपॉन 100. व्हेन इट वाज ऑन नेट अमाउंट रियलाइज्ड फॉर्मूला लगाया नेट अमाउंट रियलाइज्ड इनटू रेट अपॉन 100. तो बच्चों जब ये कमीशन मिलेगी ऑन द अमाउंट फाइनली पेबल टू द पार्टनर्स तो हमारा कमीशन का फॉर्मूला कुछ ये होगा. अमाउंट फाइनली पेबल टू द पार्टनर्स इनटू रेट अपॉन 100. यस और नो बच्चों यही फॉर्मूला होगा. yes. फिर से सुन लीजिए. व्हेन इट वाज ऑन असेट्स रियलाइज्ड वी सेड सो कॉल्ड वैल्यू ऑफ असेट्स रियलाइज्ड पे मिलेगा. When it was on net amount realized, we said it is on net amount. और अब यहां पे commission किस चीज पे देनी है बच्चों. On the amount finally payable to the partners into rate upon 100. ऐसे ही होगा बच्चों ऐसे ही होगा. इतना लिखिए फिर कहानी सुनाता हूं आगे मैं आपको. चलिए So be super attentive children, be super attentive. When it was commission on assets realized, formula was value of assets realized into rate upon 100. When it was on net amount realized, formula was net amount realized into rate upon 100. But now it is on what value children? Amount payable to the partners. Jitne paise partner ko milenge, usi pe he is going to get commission. I repeat children, that money which partners will be getting from the firm when? At the end of dissolution. जितने पैसे पार्टनर्स को मिलेंगे उसी पे कमीशन होगी. इज दैट ओके. इज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल. इज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल. तो जितने पैसे पार्टनर्स को मिलने हैं उस पे कमीशन देना है. तो फॉर्मूला क्या लगा दिया. अमाउंट फाइनली पेबल टू द पार्टनर एज कैपिटल पे कमीशन है तो अमाउंट फाइनली पेबल टू द पार्टनर इन टू रेट अपॉन 100. तो मेरा फॉर्मूला एकदम ठीक है. पीपल सपोर्ट मी. पीपल सपोर्ट मी. फॉर्मूला एकदम ठीक है. सब लोगों ने हाँ बोला नहीं अभी तक. चिल्ड्रन इज माय फॉर्मूला करेक्ट. पीपल आर सैटिस्फाइड विद द फॉर्मूला. यस वी आर सैटिस्फाइड. यस सर.
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बट प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले में, एक क्या प्रॉब्लम है, आपके सामने जितने फैक्ट्स हैं चिल्ड्रन, उसमें से कहीं से भी आपको ये पता नहीं लगेगा व्हाट इज द अमाउंट फाइनली पेबल टू पार्टनर अंटिल अनलेस यू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, सब कुछ बाय टू वगैरह वगैरह लिख देंगे, टू बैंक एक वैल्यू आया करती थी, दैट इज द अमाउंट पेबल टू द पार्टनर। सो फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू चिल्ड्रेन, फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ और फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट और फ्रॉम कैपिटल अकाउंट्स? कैपिटल अकाउंट बनने से पहले आपको नहीं पता लगेगा, आई रिपीट, कैपिटल अकाउंट बनने से पहले आपको नहीं पता लगेगा। तो कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे आफ्टर रियलाइजेशन, देन यू विल कम टू नो हाउ मच मनी इज पेबल टू द पार्टनर्स। यस और नो चिल्ड्रन? तो पहले रियलाइजेशन बनाए बच्चा, फिर कैपिटल अकाउंट बनाए, और वहां से क्या फाइंड आउट करें, अमाउंट पेबल टू द पार्टनर। अमाउंट पेबल टू द पार्टनर जो आएगा इनटू रेट अपॉन 100 कर देगा और कमीशन आ जाएगी। समझ गए बात को? समझ गए बात को? सबने सुन ली ध्यान से बात? पक्का ये हो जाएगा काम? आप बना लेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उससे वैल्यू निकाल लेंगे? हाँ सर, होमवर्क तो किया, उसमें तो ऐसे ही होता था सर। यहां पे कर लेंगे ये काम, सोच के बताइए, और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे ये भी बताइए। चलिए ध्यान से सुनिए बच्चों, फिर से वंस मोर आगे आंसर। असेट्स रियलाइज्ड पे था तो फॉर्मूला वॉज वैल्यू ऑफ असेट्स रियलाइज्ड इनटू रेट अपॉन 100। नेट असेट रियलाइज्ड पे था तो फॉर्मूला वॉज नेट असेट रियलाइज्ड इनटू रेट अपॉन 100। एंड व्हेन इट इज ऑन अमाउंट फाइनली पेबल टू द पार्टनर्स, तो फॉर्मूला बनेगा अमाउंट फाइनली पेबल टू द पार्टनर इनटू रेट अपॉन 100। फ्रॉम वेयर वी विल बी गेटिंग दिस टेक्स्ट दिस डेटा दिस अमाउंट चिल्ड्रन? कहां से पता लगेगा? कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट कब बनेगा? आफ्टर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन। जब तक रियलाइजेशन में कमीशन की एंट्री ही नहीं होगी, क्या आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस ठीक आएगा? आई रिपीट अमाउंट फाइनली पेबल टू द पार्टनर्स कहां से पता लगेगा? कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट में ये वैल्यू तब पता लगेगी जब आप रियलाइजेशन के बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अभी तो रियलाइजेशन में ये वैल्यू लिखनी बाकी है, तो जब तक आप रियलाइजेशन में इस एंट्री की पोस्टिंग नहीं कर देते चिल्ड्रेन, तब तक यू कैन नॉट प्रिपेयर करेक्ट कैपिटल अकाउंट। अंटिल अनलेस योर कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड करेक्टली चिल्ड्रेन, विल यू बी एबल टू गेट दिस? नो। तो सर ये तो अपनी परछाई को पकड़ना हो गया, हम जितनी आगे जाएंगे वो और आगे चली जाएगी। तो क्या दुनिया में कोई भी इंसान अपनी शैडो को पकड़ पाया है? नो, क्यों नहीं पकड़ पाया? सर हम जितना आगे जाते हैं वो और आगे चली जाती है। तो ये वैल्यू मिलेगी कहां से? कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर रियलाइजेशन, एंड अंटिल अनलेस वी पुट द पोस्टिंग ऑफ दिस एंट्री इन रियलाइजेशन अकाउंट, इट इज नॉट गोइंग टू गिव अस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। और अगर करेक्ट प्रॉफिट लॉस आएगा नहीं तो कैपिटल अकाउंट बन ही नहीं पाएगा, और कैपिटल अकाउंट बनेगा नहीं तो अमाउंट पेबल कहां से निकलेगा? तो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब तक ये एंट्री नहीं होगी, रियलाइजेशन नहीं बनेगा, कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा। जब तक इसका अमाउंट नहीं आएगा कैपिटल अकाउंट से, तब तक आप एंट्री में लिखने की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मॉर्निंग में 10 बजे मैंने आपसे पूछा कि रात में आप कितना खाना खाएंगे ये बताइए। आपने कहा सर आपने इतनी भयंकर मैथ बता दी है, हम नहीं बता पाएंगे। मैंने क्यों? कह रहे सर आपने ये बोला है कि जितना खाना बनेगा उसमें से घर वाले जो खाना खा लेंगे, जो बचेगा उसका 10% हम खाएंगे। अब पहले रात होने दीजिए, लेट फैमिली मेंबर्स ईट सफिशिएंट डाइट, फिर पता लगेगा कितना बचा है और फिर उसका 10% आपको बता देंगे। तो रात से पहले हम आपको आंसर नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा नहीं, हमारे पास अलजेब्रा है, हम सारे आंसर्स दे देंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स, एकदम एस्ट्रोलॉजर की तरह काम करती है कभी कभी। फिर से सुनिए मेरी बात, असेट्स रियलाइज पे था तो दिस इज द फॉर्मूला, नेट अमाउंट रियलाइज पे था तो दिस इज द फॉर्मूला, इस पे है तो दिस इज द फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। वाई? बिकॉज फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो पहले कहां जाएगा? फिर रियलाइजेशन के बाद आप बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और यहां से निकालेंगे अमाउंट पेबल। तो पहले आपको अमाउंट पेबल पता भी तो हो, जब अमाउंट पेबल पता ही नहीं है, कैन वी कैलकुलेट कमीशन चिल्ड्रन? नो। और जब तक कमीशन आ नहीं जाता, कैपिटल अकाउंट बनेगा नहीं। तो वैल्यू कहां पे मिलेगी? ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर कैसे जाएंगे? टिकट बुक करा के। टिकट बुक कैसे होगी? जब ट्रेन के अंदर से वैल्यू हमको मिल जाए। पीपल अंडरस्टूड और नॉट? तो पैसे पड़े ट्रेन के अंदर,
और टिकट उसी पैसे से बुक होनी है, तो जब तक पैसे बाहर आएंगे नहीं टिकट बुक होगा नहीं, टिकट बुक जब तक होगा नहीं आप अंदर जा नहीं सकते, इलीगल माना जाएगा। तो कैसे किया जाए सर, कैसे किया जाए? तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, साइंस का एक लॉजिक पढ़ा होगा आपने, मैटर कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म कैन चेंज। समझ में आई बात? कुछ वैसा ही अप्लाई करेंगे, कुछ वैसा ही अप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, धरती पे जितनी ऑक्सीजन है चिल्ड्रन, आप इसको बढ़ा नहीं सकते। हाँ, कम जरूर कर सकते हैं हरकतों से, बट बढ़ा नहीं सकते। तो सर ये हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट होते हैं उनको कैसे प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन दी जाती है? फॉर्म चेंज करते हैं ना, सिलेंडर में स्प्रे नोजल लगा के थोड़ी फिजिक्स अप्लाई की जाती है उस केमिस्ट्री के लिए, थोड़ा सा काम वही करना पड़ेगा। रेडी हैं लोग मेरी बात सुनने के लिए? रेडी हैं लोग बच्चों मेरी बात सुनने के लिए? चलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से जो मैं लिख रहा हूं आई वॉन्ट सब लोग उसको लिखें। कमीशन इक्वल्स टू 10% ऑन द अमाउंट फाइनली पेबल टू द पार्टनर्स। खोपड़े में बात गई बच्चों, फाइनली जो पार्टनर्स को आपने पैसे देने हैं उसका 10% कमीशन है। आप पार्टनर्स को कितने पैसे फाइनली देंगे, एवरीबडी हैज अग्रीड कि कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले ये बात पता नहीं लगेगी, बट आई एम गोइंग अगेंस्ट द रूल्स। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले क्या आपको क्वेश्चन देख के ये बात पता लग जाएगी? सर कैसे? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जितने रिसोर्सेज इस धरती पे हैं, अगर हम ये मार्स मिशन, मून मिशन, ये मिशंस ना करें, क्या हम रिसोर्सेज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। ये एक्सप्लोरेशन इसीलिए किया जाता है कि वहां से कुछ बेटर मिल जाए, फ्यूल कल को खत्म हो जाएगा, सोना चांदी किसी पहाड़ से अगर मिल जाएगा तो वहीं से लूट के ले आएंगे और यहाँ पे बेच के रिसोर्सेज मजबूत करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी है चल रहे हैं। जितने पैसे फर्म के पास होंगे, आई रिपीट द अमाउंट ऑफ मनी दैट फर्म हैज, क्या उससे ज्यादा पैसा आप एक्स वाई जेड को दे पाओगे? समझ गए सर, समझ गए, पूरी कहानी क्लियर हो गई। व्हाट वाज द कैश बैलेंस चिल्ड्रन? 30 प्लस हाउ मच डिड वी रिसीव बाय सेलिंग एसेट्स? टोटल वी हैव हाउ मच? आउट ऑफ दैट 1 लाख वुड बी पेड टू हूम? क्रेडिटर्स। कितना बचेगा? 450। और उसके बाद एक्सपेंस कितना है? 10,000। तो व्हाट इज द मैक्सिमम मनी जो पार्टनर्स को दिया जा सकता है? कैपिटल अकाउंट बना के भी यही आंसर आएगा आपका, 440 से ज्यादा तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं, कहां से लाओगे, पड़ोसी से लूट लाओगे। तो क्वेश्चन देख के स्टूडेंट बता देगा कि कैपिटल बैलेंस क्या आ सकता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्वेश्चन देख के स्टूडेंट बता देगा कैपिटल बैलेंस क्या आ सकता है। नहीं समझे बात को? भाई कैपिटल बैलेंस रिजोल्यूशन में क्या आता है? द अमाउंट विच वी विल पे और द अमाउंट विच वी विल रिसीव। तो वो तो आपको ऐसे मैथ से भी पता लग जाएगा, तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है? सर पहले ये सब बातें क्यों नहीं बताई? अरे जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे, दो चार क्वेश्चन एक्सपीरियंस करोगे, तभी तो पता लगेगा ना, क्रेडिट माइनस डेबिट टू बैंक करके सेटल करना है। इज दैट क्लियर? तो हाउ मच मनी एट मैक्स कुड बी पेड चिल्ड्रन? 440। ये बात समझ में आ गई? 440 से ज्यादा आप नहीं दे सकते। ये 440 इज द मैक्सिमम अमाउंट जो आप दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, भयंकर बोलने जा रहा हूं। दिस मनी इज टू बी गिवन टू हुम 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 हुम। किसको 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 पैसा देना है? फिर से सुन लीजिए एक बार, ये 440 किसको 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 देना है? थोड़ा हाँ, किसको 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 किसको? बच्चे हो गए, किसको? एक्स का कैपिटल का पेमेंट 440 से जाएगा टू वाई टू जेड, एंड इन तीनों को जो देंगे उसी में तो कमीशन भी देनी है। समझ में आया साहब जी? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का कंफर्म? तो अमाउंट फाइनली पेबल टू द पार्टनर 440 नहीं होगा, 440 से थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा लिख लेते हैं उसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लेट द कमीशन बी एक्स। कमीशन इक्वल्स टू 10% ऑन या ऑफ, कुछ भी बोल लो, किस पे निकलनी है बच्चों कमीशन? कमीशन किस पे है? 10% किस पे है? अमाउंट फाइनली पेबल
इन तीन लोगों को जो पैसा दिया जाएगा इसी का 10% होगा चिल्ड्रन, इसी का 10% होगा। तो अमाउंट जो अवेलेबल है उसमें से माइनस कर देंगे कमीशन, तो पता लग जाएगा हाउ मच मनी इज फाइनली पेबल टू द पार्टनर। फिर से सुनिए, हाउ मच मनी डू वी हैव चिल्ड्रन? 440 में से आपको एक्स को कमीशन भी देना है, उसके बाद जो बचेगा दैट विल बी गिवन टू एक्स वाई जेड। और इसी तरीके समझ लीजिए, जो पैसा एक्स वाई जेड को देंगे उस पे 10% किसको देना है? एक्स की कमीशन। तो टोटल पैसे के कितने हिस्से होंगे? चार, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, जेड का कैपिटल, और इन तीनों पे एक प्रेतात्मा छाई हुई है, एक्स का कमीशन। तो जो भी इनकी वैल्यू होगी चिल्ड्रेन, प्लस 10% और। सो दिस 440 इंक्लूड्स पेमेंट टू हाउ मेनी पीपल? तो ये जो 440 है ना चिल्ड्रेन, दिस इज अमाउंट अवेलेबल। व्हाट अमाउंट अवेलेबल? मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा इसको, अमाउंट अवेलेबल। तो एक्स इक्वल्स टू 10/100 इंटू 440,000 माइनस एक्स। अरे सर, ये तो अपना पुराना मुन्ना ड्राइवर था, यही चोर निकला, हमको तो पता ही नहीं था। ड्राइवर के पास सारे रास्ते हैं आपके। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? आफ्टर चार्जिंग। 11 ने बोला था ना घड़ी घड़ी काम आएगा 12th में, अभी इसके अगले चैप्टर कंपनी शेयर में चार बार फॉर्मूला काम आएगा ये। सो 100x इक्वल्स टू व्हाट चिल्ड्रन? 440000 माइनस 10x, माइनस 10x इधर से इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा चिल्ड्रन? बन जाएगा 110 इक्वल्स टू 44 लाख। एक्स इक्वल्स टू 44 लाख डिवाइडेड बाय 110, कितना आएगा बच्चों? 40,000 रुपी। सो इतना लिखना पड़ेगा, एक तो गंदा सा मुंह ना बनाया करिए, बट आप मेरे स्टूडेंट हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आपको मैं। पैसा एक्स को, वाई को, जेड को किस चीज का मिलेगा बच्चों? कैपिटल। लेट द कैपिटल पेमेंट बी 100 प्लस कमीशन किसको मिलेगी? एक्स को 10%। तो टोटल हाउ मच मनी वी शुड हैव? 110 रुपए होने चाहिए। और आपका बच्चों ये जो 440 है ना, ये सो कॉल्ड 110 है। कितना है ये? 110। यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। सर कहाँ पे लिखेंगे, जगह ही नहीं बची। जगह इंसान के दिल में होनी चाहिए, बड़ा किसी को बैठा मत लीजिएगा, नहीं तो हार्ट एनलार्जमेंट हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाता है उससे। सो अगर 110 रुपीज टोटल चाहिए तो कमीशन के लिए 10 रुपए चाहिए, 4,40,000 रुपए अगर टोटल चाहिए तो कमीशन के लिए कितना चाहिए? सर पहले ही बता दे, इतनी रामायण आपने सुनाई, पहले बता दे तो मजा ना आता ना। अपॉन 110, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, तो इट इज 4,40,000 इंटू 10 अपॉन व्हाट चलन? 110। व्हाट द आंसर चलन? 40,000। बट डेरिवेशन बताना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, नहीं तो आप जिंदगी भर मेरे को ताना मारते हैं। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? सर्च कर डालिएगा पूरा यूट्यूब, इससे बेटर मिल जाए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो उसको तो कर ही दीजिएगा। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, दुनिया की किसी किताब में आपको 11वीं 12वीं के स्टैंडर्ड में तो डेरिवेशन मिलेगा ही नहीं। बैल बुद्धि ऑथर्स होते हैं सारे 11वीं 12वीं वाले। एडवांस अकाउंट की घटिया से घटिया किताब में भी आपको 100 बार मिल जाएगी ये चीज। समझ में आ गया? तो सर 11वीं 12वीं की बुक्स में क्यों नहीं लिखा होता? उनको पता है पढ़ने वाले 90% तो बेकार हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई सिर्फ पास करने के लिए करनी है, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन अटेनिंग नॉलेज। तो ऑथर कहता है बेटा ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? नेट अमाउंट रियलाइज्ड इंटू रेट अपॉन 100+ रेट। सो जो पढ़ेंगे सो कॉल्ड इसे, उनका होगा बाजार में रेट, ये वाले करते रहेंगे जिंदगी भर तरक्की का वेट। समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़े फॉर्मूले पे ध्यान कम, फॉर्मूला बनाने पे ध्यान ज्यादा। वो कहावत है ना, मछली पकड़ के दे दूं या मछली पकड़ना सिखा दूं? सर पकड़ के ही दे दीजिए, चबा भी दीजिए थोड़ी सी। तो ये उनके लिए जो चाहते हैं मछली पकड़ के मिल जाए, ये उनके लिए जो स्किल सीखना चाहते हैं। समझ में आई बात? और ये पूरे क्वेश्चंस बच्चों ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में भरे पड़े हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में,
आप कॉस्ट अकाउंटिंग जब पढ़ेंगे ना एमबीए में या बीकॉम में या सीए में, हर जगह होती है, आपको लगेगा हमारे साथ धोखा किया गया, विश्वासघात किया गया, खंजर भोका गया हमारी पीठ पे। बॉलीवुड मूवी थोड़ी ज्यादा देखते हैं ना इसलिए बकवास कर रहे हैं। वहां पे आपको लगेगा ही नहीं बच्चों की अकाउंटेंसी है, मैथ्स नजर आएगी, इकोनॉमिक्स नजर आएगी। इकोनॉमिक्स और मैथ्स को जोड़ दीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग बन जाती है। और इसीलिए जो ICW और CMA कोर्सेज के कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब अपना सेकंड लेवल पास करते हैं, उनके सर्टिफिकेट को अकाउंट्स इंजीनियर बोला जाता है, बिकॉज दे वर्क विद इंजीनियर्स। तो इसलिए मैथ्स आना बहुत जरूरी है, डेरिवेशन आना बहुत जरूरी है, बहुत जगह काम आएंगे आपको ये सब चीजें। तो ये है घटिया वाला, और ये है बढ़िया वाला, और ये है दलित दर। चॉइस इज योर्स, क्या करना है आपको। तो दिस वॉज अर्थमेटिक स्टाइल, दिस इज एलजेब्रा स्टाइल, एंड दिस इज घटिया स्टाइल। चूज योर स्टाइल्स एज पर योर विश। सब लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, एग्जाम के लिए इसको याद रखिएगा, पर्टिकुलर और जिंदगी के लिए इसको याद रखिएगा। बी क्विक चिल्ड्रन। तो भाई सबको एक कहानी समझ में आ गई, तो दिस इज द इजिएस्ट वे, दिस इज द सो कॉल्ड इंटेलिजेंट और स्मार्ट वे, एंड ये थोड़ा लेबर छाप कार्यक्रम था, मेहनत ज्यादा करवा दी। तो ये थी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और ये थी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये क्या था सर? ये इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेस था, समझ गए पक्का, क्योंकि सभी औकात की बात नहीं, इसको समझना है, सही बात बोल रहा हूँ। ये लगभग लोग समझ जाते हैं, और जो तोता है, फादर्स नेम पैरेट, मदर्स नेम मैना, हमारा नाम तोता मैना, ये उनके लिए है। चलिए, तो मैंने सारी कैटेगरी बता दी भैया, समझ लो जो जिसको अच्छा लगे खरीद के खा लो, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल लगा लो, जहां पे MUX मोर देन PX उसको ले लेना। चलिए तो आगे चलते हैं, यहाँ पे ये सब चीजें लिखी हुई हैं। अब बच्चों कुछ जरा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, डेटर्स का प्रिकॉशन बता चुका हूं आपको, बट फिर से बता रहा हूं एक बार। अगर बच्चों डेटर्स की वैल्यू 120 है, तो आप 120 पे उन्हें ट्रांसफर करेंगे, एंड प्रोविजन वुड बी ट्रांसफर्ड लाइक अ लाइबिलिटी। याद है सबको? डिफरेंस मत लिखिएगा 116, क्यों? ऐसा लगेगा कि आपने मान चुके हैं, यू हैव अज्यूम दैट डेटर्स हैव रन अवे। ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये गलती तो नहीं करेंगे लोग। चलिए, प्रिकॉशन टूवर्ड्स बैंक ओडी, ये मैंने आपको बताया है। बैंक ओडी अगर लिख के आता है बच्चों, तो आप दो काम कर सकते हैं। क्या दो काम कर सकते हैं? इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ बैंक अकाउंट, आई रिपीट चिल्ड्रन, यू आर प्रिपेयरिंग अ बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस के लिए आपको लिखना पड़ेगा व्हाट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड चिल्ड्रन, ओवरड्राफ्ट के लिए दो तरीके हैं, ईदर राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर एक ही अकाउंट में दो दो बैलेंस, कैशबुक में नहीं होता था क्या? कैशबुक में नहीं होता था, और बैंक में करंट अकाउंट तो एक ही है ना, उसी में आपके कुछ पैसे भी रखे हैं, और उसी अकाउंट में आपका ओडी भी चल रहा है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज अगर मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए है और मैंने 2.5 लाख की चेक काटी, तो 1.5 लाख का ओडी होगा बस। फिर मैंने 50,000 जमा करा दिया, तो 1,00,000 का ओडी, फिर 20,000 जमा करा दिया, तो 80 का ओडी, फिर 10 जमा करा दिया, तो 70 का ओडी, तो दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता। और अगर आपका मन इस तरह से लिखने का नहीं है, तो आप यहां पे बाय बैंक ओडी पेमेंट करा सकते हैं, गॉट इट? बट इफ चिल्ड्रन बैंक लोन इज गिवन, इट इज टू बी ट्रीटेड एग्जैक्टली लाइक क्रेडिटर्स, पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे और फिर पे कर देंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? अपडेट दिस फास्ट। बट चिल्ड्रन एवरी टाइम यू वोंट बी हैविंग सो कॉल्ड बैंक अकाउंट इन द क्वेश्चन, बैंक बैलेंस नहीं होगा, तो आपको सो कॉल्ड बनाना पड़ेगा व्हाट? कैश अकाउंट। सो कैश बैलेंस विल बी रिटन एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड हेयर यू नीड टू मेक द पेमेंट। समझना क्या? तो दोनों केसेस में जाएगा वो क्रेडिट साइड में, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ गए बात को? समझ गए बात को बच्चों? पक्का लिख लीजिए फास्ट। चलिए, सो नेक्स्ट चिल्ड्रन आपको नजर आएगा व्हाट इज कॉल्ड एज सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं 99 नहीं बोलूंगा, none of the teachers focus on this, none. अगर क्वेश्चन में आपको कैश और बैंक दोनों दिया है, तो आपको चॉइस लेनी पड़ेगी, बट आप फंस जाएंगे लेजर बनाते टाइम। कैसे? अगर दोनों हैं एंड यू चूज टू प्रिपेयर व्हाट चिल्ड्रन? कैश अकाउंट।
पहले तो आपकी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज में चिल्ड्रन जिक्र कैश का होगा, बैंक का नहीं होगा। और कैश का जो बैलेंस आपके पास है चिल्ड्रन, दैट विल बी रिटन एज व्हाट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? एंड व्हाटसोएवर मनी इज केप्ट इन बैंक, वी विल अज्यूम कि हमने पैसा निकाल लिया। ये जर्नल एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिख के आएगा इसके बारे में, कहीं नहीं लिखा होगा, कहीं नहीं। और अगर जर्नल भी पूछा गया, आप तो भूल जाएंगे इस एंट्री को, आपके मार्क्स जाएंगे कट। गॉट इट क्लियर? तो इस एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे हम यहां पे चलन? टू बैंक अकाउंट। सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर द लेजर फॉर बैंक, और आप चाहते हैं दैट आप बनाएंगे बैंक का लेजर, तो वॉट यू आर गोइंग टू डू? द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक विल बी कोटेड एज वॉट चिल्ड्रन? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड वॉट्स एवर कैश यू हैव, वील अज्यूम वेर इट इज बींग सेंट, डिपॉजिटेड। एंट्री क्या होगी बच्चों? बैंक टू कैश। कुछ महान आत्माएं बोलती हैं सर कॉन्ट्रा एंट्री करने से डबल कॉलम बना लें, अरे इतना करने की जरूरत नहीं है। तो आप जर्नल में ना ये एंट्री भूल जाएंगे करनी, क्योंकि आपको हवा नहीं लगेगी, ये भी कुछ करना है। गॉट इट क्लियर? तो ये सबसे भयंकर चीज है पूरे चैप्टर की चिल्ड्रेन, सबसे भयंकर। अच्छे अच्छे धुंधर भूल जाते हैं इसको। सो इफ बोथ आर गिवेन यू हैव टू चूज, या तो कैश या तो बैंक, दोनों नहीं कर सकते। और प्लीज यहां पे चिल्ड्रेन बीच में लिख लीजिए ओ आर, ओ आर। गॉट इट? गॉट इट चिल्ड्रेन? सो अगर आपने कैश चुना है तो आप लेजर कैश का बनाएंगे, और आपकी एंट्रीज में पैसे का लेन देन में हमेशा वॉट इज गोइंग टू कम? कैश। एंड व्हाटसोएवर मनी इज केप्ट इन बैंक, वी विल अज्यूम वी हैव टेकन इट आउट, तो जाएगा दोनों ही डेबिट में। ओके सर, ऐड करके लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में। अरे अकाउंट्स पढ़ रहे हो भाई, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, तो जरा एंट्री पोस्ट करो। एंड इफ सो कॉल्ड आप लेजर बना रहे हैं बैंक का, तो सो कॉल्ड आपकी एंट्रीज में पहले तो बैंक जाएगा पैसे के लेन देन में, देन द मनी विच इज केप्ट इन कैश क्या अज्यूम करेंगे? डिपॉजिट कर दिया, क्या एंट्री होगी चलन? बैंक टू कैश, और फिर आएगा वहीं पे। समझ में आया कि नहीं? पक्का कंप्लीट फास्ट। सो लेट्स कंटिन्यू बच्चों, बाकी सब तो एज इट इज चलेगा। इसके बाद इस वर्कबुक में जितना भी है वो आपके सीबीएसई आईएससी और सिलेबस में नहीं है बोर्ड के, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में सीए में, फाउंडेशन में नहीं होता। रिजोल्यूशन चैप्टर हट गया है, अब शायद ऐड कर दें अगली बार से, बात अलग है। ओके एंड आपके ग्रेजुएशन में काम आएगा, एज वेल एज सीयूटी एंट्रेंस में तो काम आएगा ही आएगा। चलो तो बच्चों, आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था शायद, 1-20 दिया था ना। चलो अगले लेक्चर में चेक भी करेंगे उसको। एंड चलो न्यू होमवर्क मार्क कर लीजिए, 21 से लेकर 30 तक, 21-30। इस होमवर्क में आप करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जर्नल एंट्री बनाएंगे आप, जर्नल एंट्री बनाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी 5 क्वेश्चंस के लेजर भी बना डालिएगा, जस्ट एनी 5। 21 तक दिया था ना, 20 तक सॉरी, तो 21-30 में एक दो क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं पहले, तो 21-30 में आपको सिर्फ जर्नल बनाना और कुछ नहीं करना। एंड किसी 5 का रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बना लीजिएगा, हो जाएगा पक्का। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।